नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। खबर औरैया से है, जहां पर आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। नवीन मंडी स्थल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में तीनों विधानसभाओं की 1281 ईवीएम मशीनें रखी हुई है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए स्थानीय थाना फोर्स के अलावा बाहर से आई पीएससी और सीआरपीएफ की सशस्त्र पुलिस 24 घंटे मुस्तैद नजर आ रही है। इस बार जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग को लेकर अच्छी रणनीति बनाई है। ये पूर्व की वर्षों की तरह मंडी समिति औरैया में ईवीएम रखी गई है, पहले भी वहीं रखी जाती थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे प्रदेश सरकार डीजीपी मुख्यालय के जो गाइडलाइंस हैं सुरक्षा की, उसके तहत उनको सुरक्षा में रखा गया है। और सीएपीएफ और हमारी सिविल पुलिस पीएससी सब त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके तहत है। डेली एक एसएसपी अफसर द्वारा उसकी चेकिंग होती है दिन में रात में, और सभी ड्यूटीज़ को जो है वो लगातार चेक किया। खबर औरैया से है, जहां स्कूल में प्रार्थना के समय बात करने बच्चों को अध्यापक ने बेरहमी से पीटा, जिससे बच्चे के हाथ पैर और उंगली में बहुत चोट आई है। वहीं मौके पर पहुंचे बच्चे के पिता और भाई ने अध्यापक के खिलाफ स्कूल के उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। सर ने मारा है, हम परिवार में हमारे दोनों जनन की बातें होने लगी। सर ने देख लिया है और डंडे मंगाए दो तीन है, पर और आगे खजूर के डंडे तो बहुत मारा और यन पर लगी उंगरिया तर गई। तो तुमने अपने घर पे कहा किसी से? गए थे कोई तो नहीं घर पे। कौन सर जी थे, क्या नाम था सर जी का, जानते हो? राम कुमार। सर एक हमारे ओम जी थे और हम थे, हम दोनों बातचीत कर रहे थे। एक लड़का मारने आया, उसने कहा तुम इसको तेज मारो। मैंने कहा क्यों मारेंगे, और किसी ने कह दी सर जी से ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तुम्हें किसने मारा? श्री राम कुमार। आज लड़के थोड़ा मुझसे तो जैसे बच्चे ने बताया वैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना, कि थोड़ा बच्चे से पूछताछ का कुछ चल रहा होगा, मास्टर साहब ने कुछ पूछा होगा। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, एक कह रहा था थोड़ा जोर से मारा, दूसरा हमारे बच्चे ने कह दिया कि क्यों जैसे मार रहा वैसे मार रहा, उसको पीटने दो जैसे पीट रहा सजा दे रहा। तो इस पर मास्टर साहब ने दो लड़कों की ऐसे पिटाई की, एक की उंगली उतरी है टूटी है, और मेरे बच्चे के आपने देख लिया होगा जैसा उसका हाल है। आपके बच्चे कहाँ है? चुप आपके या नीचे जांग में है और ऊपर पुट्ठे पे भी है। तो क्या आप चाह रहे हैं? संभल के ग्राम बाघौर रेलवे क्रॉसिंग पर एक युवक का शव ट्रेन से कटा हुआ मिला। जब ग्राम वासियों को पता चला तो तुरंत जीआरपीएफ और थाना पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान की। धर्मेंद्र के पिता ने बताया है कि 8 दिन पहले वो नोएडा काम करने के लिए गया था। मृतक ने 1 दिन पहले फोन पर घर आने की बात की थी। पानी का बोतल और मोबाइल चार्जर समेत सभी चीजें बरामद की गई है। नवेड़ा से आप आ रहा था अभी? हाँ, रात तक कल बैठो दोपहर 1 बजे करी नवेड़ा से आलम स्विच ऑफ कर दो मोबाइल पहले भी कि नव सेल नहीं क्या कर दो या कोई संग मिलेगा कोई। क्या नाम है इसका? धर्मेंद्र है। कहाँ के रहने वाले? हमारी कोई झगड़ा हुआ है या परिवार में कोई झगड़ा लाजा हो? खबर बिजनौर से है, जहां एक युवक का जला हुआ शव मिला। परिजनों का कहना है कि पहले युवक की हत्या की गई, फिर शव को जलाकर फेंक दिया गया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत सुबह इंडिगो का एक विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से दिल्ली के हवाई अड्डे पहुंचा, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया, प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं और खुद इसको देख रहे हैं। जब तक सारे छात्र यूक्रेन से वापस नहीं आ जाते, तब तक ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। हर तरफ का इंतजाम यूक्रेन में कर दिया गया है, साथ ही भारत आने के बाद भी इनको अपने घर जाने की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार तड़के एयर इंडिया का विमान लैंड हुआ, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को रोमानिया के बुखारेस्ट के रास्ते आए। एयरपोर्ट पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने छात्रों का स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को देर रात ट्वीट कर बताया कि शुक्रवार को यूक्रेन से अपने नागरिकों को लेकर 18 विमान आ रहे हैं। यूक्रेन के एनर होदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट में रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई है। प्लांट के डायरेक्टर का कहना है कि फायर फाइटिंग सिस्टम को प्लांट के अंदर आने नहीं दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद प्लांट में धमाके भी हुए, आगे के बाद कुछ रूसी सैनिक प्लांट में दाखिल हुए। वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रमुख इगोर मुराशो का कहना है कि परमाणु सुरक्षा को तोड़ दिया गया है, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग अब भी लगी हुई है, फायर टेंडर को आने नहीं दिया जा रहा है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, रिएक्टर अभी खतरे में है। खबर गाजीपुर से है, जहां की जमानिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने बीते गुरुवार को गहमर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार द्वारा प्रस्तावित चुनावी घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए एक बार फिर प्रदेश में कमल खिलाने को कहा। साथ ही गहमर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मां भारती की रक्षा के लिए सेना में तैनात जवानों के इस पावन धरती गहमर में कोटि-कोटि नमन करता हूं। इस जिले की अपनी पहचान है, आज से ही त्रेता युग से इसका इतिहास है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मां विंध्यावासिनी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने पेंशन नीति के तहत 10% अंशदान अपने शासनकाल में जमा किया है, जिससे भाजपा ने जमा किया है। नई पेंशन में पुरानी पेंशन को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में दुष्प्रचार करके कर्मचारी को भ्रमित किया जा रहा है। हमने 10% अंशदान को बढ़ाकर 14% कर दिया। वहीं सपा केवल दुष्प्रचार करने से वोटों को प्रभावित करने का काम कर रही है। आपको पता होगा कि फौज में भर्ती कौन कराता है, फौज में भर्ती फौज कराती है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी थोड़ी कराती है। यानी झूठ बोलो और झूठ बोल के जनता को भ्रमित करो, ये काम भाजपा नहीं करती, ये समाजवादी पार्टी करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज आए थे मिर्जापुर में, उन्होंने एक चीज कहा कि जो बीजेपी है वो खाता जो खुलवाई है, गरीबों का पैसा जमा कराई और बड़े बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ करके उनको यहाँ से निकाल दिया, खाता इसलिए खुलवाया जा रहा है। उनसे पूछो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 36,000 किसानों का जो 36,000 करोड़ रुपया है, 86 लाख किसानों का ऋण किसने माफ किया? कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने माफ किया। और जो जनधन खाते हुए कोरोना के समय महिलाएं जिनके जनधन खाते थे 1500 रुपये, उनके खाते में किसका पहुंचा? यानी बीजेपी। खबर औरैया से है, जहां एयर व कटरा के डॉक्टर लोहिया इंटर कॉलेज में शिक्षक विधायक आकाश अग्रवाल ने वित्तहीन शिक्षकों के साथ बैठक की। इसमें कॉलेज की छात्राओं ने पहले सरस्वती की वंदना करते हुए शिक्षकों का स्वागत किया, जिसमें बड़ी संख्या सभी कॉलेज के प्रबंधक और शिक्षक मौजूद रहे। आगे उन्होंने बताया कि हमने विधान परिषद में वित्तहीन शिक्षकों के साथ हो रही अनदेखी को लेकर सदन में बात रखी है, वो अपने बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें काफी प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है, लेकिन बात करें तो वित्तहीन शिक्षकों के साथ अभी भी अनदेखी की जा रही है। वही डॉक्टर लोहिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक मदन लाल गुप्ता ने बताया कि आगामी 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारे शिक्षक विधायक ने सदन में बात रखी और ऐसे समस्याओं को रखा जो हम वित्तहीन शिक्षक सदैव उनके आभारी रहेंगे। सर, आप लोहिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और आज आपके स्कूल में एक जो स्वागत समारोह किया गया विधायक का, क्या इसका उद्देश्य है? श्री आकाश अग्रवाल जी वित्तहीन शिक्षकों का
प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदेश में, आज 30 साल के इतिहास में पहली बार वित्त विहीन शिक्षकों को एक आवाज़ मिली है, एक ऐसा स्वर मिला है जो विधान परिषद में इन वित्त विहीन शिक्षकों के हितों की बात कर रहा है, वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के हितों की बात कर रहा है, उनके अभिभावकों की सरकारी सहायता की बात कर रहा है। पहली बार एक ऐसा सशक्त आवाज़ मिली है कि जो सरकार के तक। खबर सहारनपुर से है, जहां एक नाबालिग छात्रा से रेप करके उसको जहर देने का मामला सामने आया, जिसे गंभीर हालत में पुलिस ने जिला चिकित्सालय में युवती को इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने गांव के एक युवक पर फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया और पुलिस से इस मामले की कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद इस मामले पर SP ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जब रोशनी है जी। क्या नाम है आपकी लड़की का? खुशी है जी, मेरे देवर की लड़की है वो। क्या हुआ इनके साथ? इसका जहर खाना बताया जी इसको, इसका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों जहर खाया जी? पता जी, सुबह की पेपर देने के लिए गई थी, फिर हम मास्टर आए हमारे घर, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी लड़की नहीं है, अरे भाई अपनी लड़की को देखो कुमकत कहाँ, मैंने बच्चे देख के भाई हमें जहर खाई मिली लड़की है। कहाँ मिली थी? जंगल स्कूल की तरफ ही देखने गए थे, दूसरी साइड से रास्ता पड़ता है जी। आप किसी पे आरोप लगा रही हैं जिसने जहर दिया है? लड़की हाँ जी, लड़की खुद बता रही है जी, साहिल ना, साहिल नाम का लड़का है। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, लड़की बयान करो। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। थाना कोतवाली देहात के बिजोपुरी गाँव का ये मामला है, इसमें एक युवती आज अर्ध बेहोशी की दशा में थाना कोतवाली देहात आई थी, फिर थाना कोतवाली देहात द्वारा तुरंत उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। उसके परिजनों ने बताया है कि गांव के एक युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है और उसको कुछ जहरीला पदार्थ दिया गया है, इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जब रोशनी है जी। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV।